देखो इन लोगों को। ये देखो यहाँ पे बीमार पड़ी है, बताओ। लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं मतलब आधी रात को, आधी रात को कोई काम नहीं, इनको हमको हॉस्पिटल लेकर आने, बताओ। क्या हुआ है मेरे को? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। घूमने के लिए बताओ, हॉस्पिटल लेके आते हैं हमको। इतनी उल्टियाँ कर करके कर करके, इसलिए बोलते हैं ध्यान से खाना चाहिए, मतलब जो मिले खा लेते लोग। ऐसा तो कम ही खाती हूँ, ये देखो तुम मतलब नहीं है ना, खाने की वजह से होता तो अलग बात होती है, तब तो तू इधर होती। अच्छा, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है गाइस, फूड पॉइजनिंग, समझ रहे? नहीं 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 समझ रहे हम, नहीं समझ। अभी हम लोग इनको जल्दी सी इमरजेंसी में लेकर आए, बिकॉज ये फुल उल्टी कर करके भयंकर डिहाइड्रेट हो गई थी, तो अभी इनको ड्रिप चढ़ने वाली है शायद। खुशी मुझे लिटरली इंजेक्शन से ज़्यादा डर लगता है, उतना किसी किसी होता, बट इंजेक्शन जो पेट में लगेगा ना उससे लगता है सबसे ज़्यादा। काफी टाइम की गाली बात है, जब मेरे को एक बार मैं एडमिट हुई थी तब ये क्या हुआ, आके बैठी हुई थी मेरे पास, फिर कोई भी नहीं था, तो उन्होंने मेरे ये लगाया था, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो क्या हुआ इसको, क्योंकि मेरे को रोता हुआ देख के ना इसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो मेरे लग रहा है मैं यहाँ रो रही पुत्र के, तो देखा तो मासी वगैरह मम्मी वगैरह फिर बाद में आ रहे हैं बता रहे, वो चिन्नू तो बाहर बैठ के रो रही है। ये सब झूठ है, अभी हंस रही थी क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगा था, तो अब अलग बन गई है, ये सब काल्पनिक है। हाँ, मेरे मम्मी सब नर्स है, मुझे छोड़ के मैं बीमार नहीं, आप बीमार, हमारे पर मैं बीमार। हाँ गाइस, बहुत ज्यादा बीमार होता है, ये एक फैक्ट है। आप खड़े हो जाओ, हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं पेशेंट हूँ, तू पेशेंट है। वो कर जा पेड़ा। जर्मोफोबिक। इस पेंटिंग का मतलब किसको पता है? जिसको भी पता है वो नीचे कमेंट करे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे गेस कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं लॉर्ड बुद्धा है, शिव जी है, विष्णु जी है, समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है क्या पेंटिंग का मतलब क्या है, मतलब वो हाथ किसका है, किस भगवान का, भगवान का योगा कंसीडर इतना बड़ा है, तो ये बताएं आपको क्या लगता है। मैं इतनी थकी हुई लग रही हूँ, मेरी आंखों से, मैं आज सुबह से उल्टियाँ और लूज मोशन कर रही हूँ, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, बता रही हूँ। बाथरूम बेड, बाथरूम बेड, बाथरूम बेड। किसी को अभी देख के लग नहीं रहा कि मैं पेशेंट हूँ, है कि नहीं। थोड़ी सी ड्रिप क्या चढ़ गई, मेरे होश आ गए सारे, और ये देखो चढ़ी गया मैं पर ऐसे बीमार होती रहती हूँ, मैं क्या करूँ। सो यार, दैट्स ऑल अबाउट दैट। जैसे आप लोग में से कौन कौन है जिनको आज तक कभी ड्रिप नहीं चढ़ा, कौन, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको कभी, जो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, ये हमारी बहन बीच बीच में होती रहती है, रेगुलर कस्टमर है उनकी। तो आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, मतलब हॉस्पिटल नहीं गया।
She is high on drugs, guys. ज़्यादा फ्लूइड चल गया है। क्या बोल रहे थे? कोविड वाला पेशेंट को लेते थे इस कमरे के। Oh no! कब? कितनी पुरानी बात है ये? पता नहीं कितना दिन पुराना है। दीना! मजाक कर रहे होगे मेरे साथ? ये बेडशीट देख के मेरे को ऐसा लगा कि नहीं बहुत साफ है। उठो उधर। अब होपफुली वापस नहीं आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हम लोग अब घर जा रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। यस, थैंक्स फॉर वाचिंग आज के ब्लॉग के लिए। बस इतना ही। आप लोग का शुभ दिन शुभ रहे। अगर अगली बार बीमार होते तो हम फिर मिलते हैं। कुकुर अम्मा चीची की तबीयत कैसी है? पूछो नहीं पूछ रही। ये किसने किया है कुकु? ये क्या है ये सोफा में? ये किसकी हरकत है कुकु? आपके कुकु। हाँ।